बच्चों नमस्कार टेंथ मैथ्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू को आगे सालवा करेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू में हम फोर्थ तक सालवा कर चुके हैं अब जो क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन बचा है इनको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स विद इज थर्टी सिक्स मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन तो देखिए इनको सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे पहले हम ले लेते हैं कि लेट लेट देखो सोल्यूशन लेट लेट द ब्रिथ ब्रिथ ऑफ गार्डन गार्डन को क्या लेते हैं एक्स मीटर ले लेते हैं ठीक है एक्सौ मीटर और एंड एंड द लेंथ ऑफ गार्डन गार्डन इज वाई मीटर ये हो गया है ना तो क्या है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है ये और रेक्टेंगल आप जानते हो ये इसका सेप बनाओगे अगर ये गार्डन बनाएंगे तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल सेप में रहेगा ये अब क्या बोला है कि ये तो ये ब्रीथ और लेंथ ठीक है तो ब्रीथ ये और ये तो ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाए होता है तो पेरीमीटर ऑफ हमको गिवन है गिवन क्या है कि हाफ हाफ ऑफ द पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज़ थर्टी सिक्स मीटर ये गिवन है थर्टी सिक्स मीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर की देखो x और x y y मतलब 2x एक्स प्लस टू आग, ये होता है 2x एक्स टू वाई अगर इसको हम लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा 2x एक्स प्लस ये हो जाता है ये किसका है पेरीमीटर का है ओके ये पेरीमीटर का अब देखो तो पेरीमीटर 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ठीक अब टू एक्स ये किसका इसका पेरीमीटर का तो हमको क्या हाफ ऑफ पेरीमीटर तो इसमें क्या कर देते हैं हाफ तो वन अपन टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू से टू कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तो हमको क्या मिल गया थर्टी सिक्स मिल गया राइट अब देखो क्वेश्चन उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि हुज लेंथ इज फोर मीटर देन इट्स अ विद मतलब इसके विद से विद से कितना है फोर मीटर ज्यादा है कौन सा लेंथ तो लेंथ इस क्या बोला है कि लेंथ लेंथ है ना लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स विद ओके तो इस तो अब क्या हो जाएगा सो लेंथ इज फोर मीटर मोर मतलब ये लेंथ लेंथ क्या है इस ब्रिथ से ज्यादा है है ना लेंथ ब्रिथ से ज्यादा लेंथ ब्रिथ से ज्यादा है तो क्या रखेंगे तो लेंथ को हम क्या माने हैं लिए हैं लेंथ वाई है और uh, वृद्ध uh, कितना है? एक्स uh, uh, है तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा तो क्यों क्योंकि लेंथ इज फोर मीटर लेंथ फोर मीटर इज विथ तो लेंथ इज फोर मीटर ऑफ विद बोर ओके क्या बोला देखो लेंथ ऑफ वाई लिए हैं ठीक यहाँ डायग्राम में रखने में अलग हो गया ओके तो देख लेंथ कितना है वाई तो लेंथ वाई है वाई कितना है ब्रिद से फोर मोर है तो ये हो गया एक इक्वेशन तो देखो हम हमारे पास दो इक्वेशन बन गया अब इनको हमको क्या करना है सॉल्व करना है दो इक्वेशन बना एक बना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो हम वाई के लिए इनको सालवा करेंगे तो वाई इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एक्स और जो दूसरा इक्वेशन बना है ये वाई इज इक्वल टू तो क्या है एक्स प्लस फोर है अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं टेबल बना करके क्या करते हैं टेबल बनाएंगे उसके बाद इसको ग्राफिकली सालवा करेंगे तो ग्राफिकली सालवा करने के लिए पहले एक इन टेबल बना लेते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे ये देखो ये एक्स और वाई दो तीन वैल्यू निकाल लेते हैं देखो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको थर्टी सिक्स मिल जाएगा और देखो और जब अगर हम वाई जिकवल टू जीरो रखेंगे अब ठीक है y इक्वल जीरो रख दो तो वाई इज इक्वल टू तो जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल इस बार क्या मिल जाएगा थर्टी सिक्स मिल जाएगा वाई जीरो रखोगे तो इस बार एक्स इज इक्वल तो 36 थर्टी सिक्स मिला इधर देखो x एक्स और वाई इसमें x इज ईक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो y जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा फोर यहाँ जीरो रख देंगे तो x तो जीरो होगा तो वाई जीक्वल टू फोर उसके बाद जब हम वाई जीकवल टू जीरो रखेंगे वाइज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज ईक्वल टू माइनस फोर ठीक ऐसा दोनों में जीरो निकाल लो दोनों में जीरो निकालने से क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है उससे हम डायरेक्ट हम क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू टू वेरिएबल क्या होता है लाइन को रिप्रेजेंट करता है इसलिए जीरो जीरो फाइन कर लो जो तो ज़्यादा बेटर रहता है ओके तो देखो अब हम ग्राफ ड्रा ग्राफ बनाते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम पहले बना लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए मैं पहले थोड़ा से उसको बना लेता हूँ ओके देखिए ये अब हम इसमें क्या करते हैं जो ये वैल्यू है उनको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं देखिए एकवल टू जीरो y जीवल टू वाई जीवल टू एक्स प्लस फोर लाइन के लिए x इज इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो रखने पर हमको क्या मिलेगा y जी इक्वल टू फोर मिलेगा तो y कहाँ ये तो x इज इक्वल टू जीरो रखने पर वाई जीकवल टू फोर ये मिल जाएगा मीन्स ये हो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो फोर उसके बाद जब हम x इज इक्वल टू माइनस फोर रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस फोर ये रहा x इज इक्वल टू माइनस फोर रखेंगे तो y जी इक्वल टू जीरो मिलेगा तो y जी इक्वल टू जीरो यहाँ y इक्वल टू जीरो मतलब माइनस फोर जीरो इसका कोऑर्डिनेट माइनस फोर जीरो हो गया तो ये लाइन ऐसा मिल जाएगा ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद देखो जब हम x इज इक्वल टू इसके लिए x इज इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो y जी इक्वल टू थर्टी सिक्स तो जब जीरो रखेंगे तो y जी टू थर्टी सिक्स ये मिलेगा तो ज़ीरो थर्टी सिक्स एक्स जीरो रखने पर और जब हम एक्स थर्टी सिक्स रखेंगे एक्स थर्टी सिक्स रखेंगे तो ये एक्स थर्टी सिक्स और वाई जीरो हो जाएगा ये अब इन दोनों लाइन को क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं तो जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या देखिए ग्राफ बन जाएगा ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये ऐसा उसके बाद इनको भी ज्वाइन करते हैं ये वाला लाइन ज्वाइन करेंगे देखिए ये वाला ज्वाइन करने पर हमको मिल जाएगा ये ये तो कट कहाँ हुआ ये ठीक तो ये कट कट कहाँ मिल रहा है ये वाला लाइन से ऐसे मिलेगा ये और इधर ट्वेंटी से मिल जाएगा तो ट्वेंटी और सिक्सटीन तो यहाँ कट क्या हुआ सिक्सटीन पहले सिक्सटीन एक्स एक्सिस को पहले रखते हैं फिर वाई एक्सिस को रखते हैं ट्वेंटी ये मिला हमको तो सिक्सटीन और सिक्सटीन और ट्वेंटी इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा तो इन इस ग्रा, ग्राफ से साल सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा सिक्सटीन और ट्वेंटी आगे हम जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है सब्सिट्यूशन मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उससे सॉल्व करके भी हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोलूशन निकालेंगे तो ये ग्राफ के थ्रू है तो सोलूसन क्या हो जाएगा इसका सिक्सटीन और ट्वेंटी हो जाएगा मीन्स एक, एक सिक्सटीन है तो एक सौ सिक्सटीन मतलब क्या मिल गया एक से क्या लिए थे हम एक से को ब्रीथ ब्रीथ लिए थे एक से ब्रीथ है तो एक से ब्रीथ मींस ये सिक्सटीन मीटर हो जाएगा और ये आ, कितना हो जाएगा ये लेंथ तो लेंथ क्या लिए लेंथ हमको मिला 20, तो ये हो गया ट्वेंटी ओके अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो कि इन दोनों का देखो इन दोनों का आ, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा थर्टी सिक्स मिल जाएगा आपका सोल्यूशन एक बार पूरा देख लीजिए ये तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है हमको देखिए क्वेश्चन नंबर है लिनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो राइट एन अदर राइट एन अदर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन दूसरा है पैरला लाइन और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन मतलब हमको जो लाइन गिवन है कौन सा लाइन गिवन है आ, ये टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो इस इसके ठीक है ये क्या है लाइन है तो एक हमको क्या बनाना है दूसरा लाइन बनाना है दूसरा जो कि क्या हो इंटरसेक्टिंग करे और पैरल और कोइंसिडेंट तीनों के लिए तो देखो जब हम कोइंसिडेंट बनाएंगे इसके लिए तो देखो ये एक लाइन है अब एक सेकंड लाइन बनाएंगे जो कि क्या हो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो हमें क्या करने देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको केस पता है कि ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू होना चाहिए तो आप कोई सा भी लाइन बना सकते हो जैसे कि देखो अब ए वन अपान ए टू और नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू होना चाहिए तो देखो ये एक लाइन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो हमको सेकंड बनाना है तो देखो सेकंड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे देखो ये टू यहाँ टू रख लो और यहाँ अगर हम फोर रख देंगे y और यहाँ कुछ भी रख लो थ्री इज इक्वल टू जीरो तो देखो अब ये दोनों लाइन टू अपन टू मतलब वन हो जाएगा थ्री अपन फोर क्या ए वन अपन ए टू इक्वल होगा देखो टू अपन टू हो मिलेगा और ये क्या मिलेगा थ्री अपन फोर तो ये दोनों इक्वल है क्या नहीं है तो ये क्या हो गया जो नया लाइन बनाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया तो इसके करेस्पोंडिंग में एक सेकंड लाइन क्या मिल गया टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री अब सेकंड हमको बनाना है पैरेलल के लिए देना है तो पैरेलल के लिए पेरल लाइन के लिए पेरल लाइन्स बनाना है तो पेरल लाइन्स के लिए पहले तो इसको रख लो आप ठीक है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो इसको तो रखना है अब देखो पेरल के लिए हम केस जानते हैं कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू ये होना चाहिए तो देखो यहाँ तक दोनों का आपको क्या रखना है सेम रखना है ठीक है सेम नहीं सेम रख रहा है तो सेम रख लो या देखो मैं इसमें क्या कर देता हूँ टू का थ्री का फोर का फाइव का जिसका भी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ तक तो अगर मैं इसमें टू का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा फोर एक्स और यहाँ टू का मल्टीप्लाई करूँगा तो सिक्स वाई और यहाँ हमको क्या करना इक्वल नहीं रखना तो ये दोनों इक्वल ना हो ऐसा रख लेते तो यहाँ हम रख लेते हैं सेवन रख लेते हैं देखो अब आप चेक करोगे टू अपन फोर थ्री अपन सिक्स तो ये और Uh, क्या मिल जाएगा नॉट इक्वल टू माइनस एट अपन सेवन तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि देखो टू वन जै टू और टू टू जै फोर टू थ्री वन जे वन और थ्री टू जै सिक्स तो वन अपन टू वन अपन टू वन अपन टू दोनों इक्वल हो गया और ये क्या, क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा आप तो इसको थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिक्स हो जाएगा ये नाइन हो जाएगा तो भी हो जाएगा पैरेलल क्लियर तो आप अपने मन से ऐसे दे सकते हो क्यों पैरल के लिए बनाना है तो ये ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो आप इसमें क्या कर लो यहाँ टू का इतने में टू का मल्टीप्लाई थ्री का फोर का फाइव का सिक्स का मल्टीप्लाई करके बना सकते हो अब जैसे कि हमको किसके लिए बनाना है कोइंसिडेंट को इंसीडेंट के लिए तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आपको पता है कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू ये होना चाहिए तीनों इक्वल होना चाहिए तो तीनों जब इक्वल होता है तो हमको दिया है क्या टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो अब अब पूरे इसमें आप टू का थ्री का फोर का फाइव का मल्टीप्लाई कर लो जैसे अगर आप टू का ही मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्सटीन हो जाएगा ठीक है अब देखो आप इसको चेक करना है तो कर सकते हैं टू अपन टू इज इक्वल टू सॉरी यहाँ फोर होगा ना टू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू अपन फोर इज इक्वल टू थ्री अपन सिक्स इज इक्वल टू माइनस एट अपन माइनस सिक्सटीन तो देखो कटाएँगे टू वन जा टू टू ज़ा थ्री वन जा थ्री टू ज़ा एट वन जा एट टू ज़ा अब इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो थ्री का मल्टीप्लाई करोगे सिक्स एक्स प्लस नाइन uh, वाई और Uh, कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो आप इसको भी रख सकते हैं इन दोनों के साथ टू अपान सिक्स ओके टू अपान सिक्स रखोगे नाइन अपान टू अपान सिक्स और थ्री अपान नाइन रखोगे और माइनस एट अपान ट्वेंटी फोर रखोगे तो भी क्योंकि तो देखो टू वन जो टू थ्री जो और ये थ्री है तो 3 3, थ्री वन जो थ्री थ्री एट वन जा, एट थ्री जा तो ये ऐसा आप क्या कर सकते हो इक्वल रखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये केस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है ये वाला जैसे इसके लिए पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए ये, और इनके लिए इंटरसेक्टिंग के लिए ये इनको ध्यान में रखते हुए आपको लाइन ड्रा करना है ओके अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सेवन क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है हमें कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस टू जीरो प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस शेडेड द ट्राइंगल रीजन हमको क्या करना है जो ये लाइन गिवन है देखो सोल्यूशन है ना सेवन का सोल्यूशन लाइन गिवन है कौन कौन सा लाइन गिवन है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड गिवन है है ना चाहो तो आप ऐसा गिवन लिख सकते हो गिवन ये तो गिवन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड है लाइन गिवन है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों के लिए y का वैल्यू निकाल के इक्वेशन पहले बना टेबल बनाएंगे टेबल बनाएंगे तो y के लिए सॉल्वा करेंगे देखो इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्वा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ठीक ऐसा करो डायरेक्ट माइनस वाई को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लिख रहे हैं इधर ऐसा सोचोगे तो माइनस नहीं लगेगा देखो माइनस वाई के इधर ट्रांसफर किए तो क्या हो गया प्लस वाई हो गया और इसको यही रहने देते तो एक्स प्लस वन हो गया माइनस वाई इधर ट्रांसफ़र हो गया ठीक तो वाई जी इक्वल टू तो एक्स प्लस वन हो गया अब टू वाई तो टू वाई इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे टू वाई तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व और ये माइनस थ्री एक्स तो वाई यहाँ निकालेंगे तो ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स अपन टू हो जाएगा ये मिल गया अब दो हमको क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया एक ये मिला और एक ये मिला अब दोनों के लिए हम पहले क्या करते हैं टेबल तैयार करते हैं टेबल तैयार करने के बाद ग्राफ बनाएंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के लिए ठीक इसके लिए टेबल बना लेते हैं तो इसके लिए टेबल बनाएंगे तो एक्स वाई जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो वाई जीवल टू क्या मिल जाएगा वन आप एक्स इज इक्वल जीरो पुट करोगे तो वाई जीक्वल टू क्या मिल जाएगा वन उसके बाद देखो जब हम वाई को जीरो रखेंगे वाई अगर जीरो रखूंगा ये जीरो रखूंगा तो एक्स एक्वेलो चाहिए तो वन इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है तो एक्स क्या मिल जाएगा माइनस वन अब इसमें आ जाते हैं इसके लिए टेबल बनाते हैं इसके लिए टेबल बना लो एक्स और वाई अब देखो इसमें अगर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं देखो एक्स जीरो पुट कर दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा तो टू सिक्स तो वाई के वैल्यू क्या मिल जाएगा सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर वाई जीक्वल टू क्या मिला हमको सिक्स क्यों तो देखो यहाँ जीरो रखेंगे तो थ्री इंटू ज़ीरो जीरो और ट्वेल्व अब टू मतलब सिक्स हो जाएगा क्लियर अब अगर हम वाई जी इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं देखो y जी इक्वल टू जीरो रख देंगे तो क्या मिल जाएगा देखो y जी इक्वल टू जीरो रखने पर यहाँ रख दो अब y जीक्वल टू जीरो रख दो ठीक है तो y जीरो रखोगे तो हमको अब ये इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा y जीरो तो ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स एज इक्वल टू जीरो मीन्स यहाँ से थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ट्वेल्व मिल जाएगा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा फोर मिल जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या मिलगा मिलेगा फोर तो बस ये आप जीरो दोनों के लिए जीरो वाला खोज लो जीरो खोजते हैं तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कट करता है ये हमको डायरेक्ट पता चल जाता है लाइन को ज्वाइन करने में आसानी होता है ओके तो अब इसके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओके तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं चलो देखिए ये वैल्यू है हमारे पास है ना टेबल अब हम पहले y इक्वल टू एक्स प्लस वन के लिए लाइन आ, पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू जब ज़ीरो रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा वन तो x इज इक्वल टू जीरो तो y जी इक्वल टू वन तो यहाँ मिलेगा मीन्स वन और जीरो जीरो और वन इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एक्सिस को पहले लिखा जाता है ओके उसके बाद देखो आ, जब हम x इज इक्वल टू माइनस वन लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ होगा ये माइनस वन तो ये माइनस वन तो वाई जीक्वल टू क्या मिला हमको जीरो ये माइनस वन रखने पर वाई जिकवल टू जीरो हम क्या करते हैं ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस में उन वैल्यू को रखते हैं जो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं स्वतंत्र होते हैं आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं वो होता है और वाई एक्सिस में क्या रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है ओके ये ध्यान रखना एक्स एक्सिस में किस को इनडिपेंडेंट को और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट को रखा जाता है ओके ये हो गया अब देखो इसके लिए जब x इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू जीरो तो y जी इक्वल टू सिक्स तो y जीवल टू सिक्स ये हो गया तो जीरो और सिक्स ये होगा x इज इक्वल टू फोर जब x इज इक्वल टू फोर तो y जी इक्वल टू जीरो तो ये हो गया फोर और जीरो अब हम क्या करते हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं इनको ज्वाइन करते हैं तो देखिए ज्वाइन कर लेते हैं ये इन लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं ये उसके बाद इनको ज्वाइन करते हैं इन लाइन को ज्वाइन कर लिए ये ये ओके तो तो हम किए इस प्रकार से इनको कर लिए तो देखो अब ये क्या क्या वैल्यू मिल सकता है इनको देखते हैं इसको देखो इसको यहाँ से देखेंगे ये वाला पॉइंट तो ये क्या है टू मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है थ्री मिल रहा है तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास क्या मिला टू और थ्री मिल जाएगा ये ओके तो वर्टिसेस क्या क्या मिला हमको देखिए तो ट्राइंगल का वर्टिसेस एक ये हुआ एक ये हुआ और एक ये हुआ तो वर्टिसेस मिल गया माइनस वन जीरो तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल तो व वर्टिसेस वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगल आर तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर माइनस वन जीरो फोर जीरो एंड क्या मिला टू थ्री मिला माइनस वन जीरो फोर जीरो एंड टू थ्री मिला अब इसको सेडेड करना है तो अगर सेडेड करना चाहते तो इसको आप ऐसा सेडेड कर दो ये तो ये हमारा क्या हो गया ट्राइंगल रेडी हो गया ठीक तो ये हमको शो करना था ऐसा सोलूशन देना था ओके अब देखते हैं एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो फर्स्ट है सब्सीट्यूशन मेथड ये क्या है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री को सॉल्व करने के लिए हम ये बेसिक देख रहे हैं तो पहला है सब्सीट्यूशन मेथड तो हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं सब्सिट्यूशन मेथड को सब्सीट्यूशन मेथड सबसे ट्यूशन मेथड तो देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल है एग्जाम्पल आपका बुक कही है एग्जाम्पल सेवन तो एग्जाम्पल सेवन क्वेश्चन क्या है कि सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू और एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री ये क्या है क्वेश्चन दिया लिनियर ऑफ पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके okay. अब इसका हमको क्या निकालना है सोल्यूशन निकालना है सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना तो एक्स और वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना तो सब्सिट्यूशन मतलब क्या होता है सब्सिट्यूट तो सब्सिट्यूट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना सब्सिट्यूट करना मतलब एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना ये तो सब्सिट्यूट कहलाता है ओके तो देखो क्या करेंगे हम कोई सा भी एक इक्वेशन जैसे ये मान लो फर्स्ट है ये सेकंड है तो किसी भी एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे वाई के टर्म में रिप्लेस करेंगे या एक के टर्म में जैसे कि मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं तो हम देखो हमें क्या करना है जो इक्वेशन आसान रहेगा ठीक है जो ईजी दिखेगा छोटा दिखेगा उसको हमको करना है देखो हम पहले फ्रॉम सेकंड सेकंड को से क्या करते हैं एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री गिवन है तो यहाँ हम एक्स का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं देखो एक्स का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो थ्री माइनस टू वाई हो जाएगा अब देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते फर्स्ट इक्वेशन से लेते तो एक्स का वैल्यू अगर चाहो तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हो एक्स के टर्म में और एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो y के टर्म में दोनों तरीके से कर सकते हो सब्सिट्यूट करना है हमको तो एक का वैल्यू निकालना है एक वेरिएबल का दूसरे के दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करना है हमको इक्वेशन रेडी करना प्र है और उसको क्या करना है जैसे आप सेकंड में अगर हम सेकंड से लेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे फर्स्ट में सेकंड और फर्स्ट से अगर इक्वेशन uh, बनाएंगे तो उसको कहाँ पुट करेंगे सेकंड में पुट करेंगे तो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री तो एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वाई ये है देखो अगर हम फर्स्ट से लेते टू एक, आ, सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम एक्सक वैल्यू निकालना होता तो क्या करना पड़ता हमको सेवन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस फिफ्टीन वाई अब एक्सक वैल्यू निकालेंगे तो टू प्लस फिफ्टीन वाई अपान सेवन तो ये से सब डिवाइड में आ जाता है तो हमको कोशिश करना है कि पहले बिना डिवाइड वाला बने तो बिना डिवाइड वाला रहेगा तो उससे कैलकुलेशन क्या होगा आसान होगा डिवाइड वाला कैलकुलेशन थोड़ा से डिफ़िकल्ट हो जाता है बस इतना है लेकिन कई क्वेश्चन में तो आपको करना पड़ेगा यहाँ भी कुछ थ्री फोर रख देता तब तो डिवाइड वाला आता ही ओके okay? तो पहले देखने आसान अगर मिलता है तो हमको आसान से काम चलाना है तो पहला देखो सेकंड से सेकंड से हम एक सक्कर निकाल लिए वैल्यू किसके टर्म में वाई के टर्म में अब देखो एक सक, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इस एक सक वैल्यू क्या कर देंगे पुट तो सबसे द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट अब क्या करना है इस एक्स का वैल्यू का वैल्यू देखो का एक वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो पूरा टर्म किसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा तो वाई का हमको क्या मिल जाएगा वैल्यू मिल जाएगा इसलिए हम क्या किए एक्स को चाहे तो हम वाई को सब्सिट्यूट कर सकते थे तो किसी को भी आप कर सकते हो ओके तो देखो अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में इसका का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सेवन का वैल्यू हमें क्या मिला है थ्री माइनस टू वाई माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ट्वेंटी वन और सेवन का टू से मल्टीप्लाई तो फोर्टीन वाई और फिर माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एड हो जाएगा इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन वाई हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी नाइन वाई और टू माइनस ट्वेंटी वन इधर आ जाएगा तो टू माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू क्या 19 मिल जाएगा मीन्स वाई का वैल्यू अब निकालेंगे तो वाई का वैल्यू क्या मिला नाइनटीन अपान माइनस ट्वेंटी नाइन ये मिल जाएगा सॉरी ये भी टू माइनस ट्वेंटी वन है तो टू माइनस ट्वेंटी वन क्या हो जाएगा माइनस नाइनटीन मिलेगा तो ये माइनस नाइनटीन मीन्स वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस और माइनस कट के क्या मिल जाएगा प्लस हो जाएगा तो नाइनटीन अपान ट्वेंटी नाइन मिला ओके okay? अब इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो या इक्वेशन सेकंड देखो अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड में नहीं रखना अब देखो यहाँ सब्सिटी किए तो इक्वेशन क्या मान लो इसको थर्ड मान लेते हैं तो ये थर्ड यहाँ रख देंगे यहाँ हाँ रखेंगे वाई की वैल्यू तो हमको की वैल्यू मिल जाएगा तो देखिए इस इक्वेशन थर्ड में वाई का वैल्यू जो मिला है 19 अपन 29 को रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू अब आप फिर से लिख सकते हैं इसको द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड तो थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो थर्ड इक्वेशन में, तो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू नाइनटीन अपन ट्वेंटी नाइन ये मिल जाएगा क्लियर अब देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री माइनस ट्वेंटी नाइन और टू थर्टी एट और अपन ट्वेंटी नाइन ये हो जाएगा क्लियर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इनका इससे मल्टीप्लाई होगा है ना इसके नीचे में कुछ नहीं मीन्स वन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ट्वेंटी नाइन का वन से मल्टीप्लाई मीन्स ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन का थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा एट्टी सेवन ओके एट्टी सेवन बचेगा ना अरे थ्री नाइन जा थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन की सेवन

y इज इक्वल टू नाइनटीन अपन ट्वेंटी नाइन तो ये हमारा क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एक्स और वाई का तो सोल्यूशन जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है और आगे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब्सटीट्यूट मेथड क्या है सब्सिट्यूट मतलब एक वे, एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे वेरिएबल में रख देना ये एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करना ऐसा करते हैं ठीक है तो सब्सटीट्यूशन मेथड ये होता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं कल और सब्सिट्यूशन से एक क्वेश्चन करेंगे मतलब एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री को कंप्लीट करेंगे कल ओके okay. थैंक यू देखिए एक बार इसको देखना चाहो तो देख सकते ये सब्सिटेशन मेथड यहां से किए सब्सिटेशन मेथड ये ये हमारा नहीं है ना ये आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए किया था तो ये हमारा आंसर है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो